हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला की डेड बॉडी बरामद। मौत की वजह पर बना सस्पेंस। शरीर पर नहीं मिले चोट के निशान। देखिए हसन नसरल्ला के खात्मे की इनसाइड स्टोरी। इजरायली सेना के हवाई हमले में मारे गए हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला की डेड बॉडी बरामद कर ली गई। उसके शव को लेबनान के बेरूत में उसी जगह से बरामद किया गया जहां IDF ने एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन मौत की वजह पर अभी सस्पेंस है क्योंकि उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि भीषण बम धमाकों के झटकों की वजह से उसकी मौत हुई। हसन नसरल्ला के मारे जाने के बाद ईरान की तरफ से बयानबाजी जारी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई की तरफ से कहा गया कि लेबनान के लोग ये नहीं भूलें कि एक समय था जब कब्जे वाले शासन के सैनिक बेरूत की ओर बढ़ रहे थे, हिजबुल्ला ने ही उन्हें रोका था और लेबनान गौरवान्वित हुआ था। इसराइल हिजबुल्ला को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत छोटा है। इधर हिजबुल्ला चीफ की मौत के बाद इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया सुदारी ने देश में 3 दिन के शोक की घोषणा की। वहीं उसके मारे जाने के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इस बीच ईरान में सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। लेबनान में भी 5 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। घर, दफ्तर, बाजार सब बंद है। लेबनान इसराइल जंग को लेकर दुनिया भर से प्रतिक्रिया आ रही है। इसराइल की तरफ से बंदकों की रिहाई तक युद्ध जारी रखने का ऐलान किया गया है। लेबनान ने कहा है कि शनिवार को इसराइल की तरफ से हुए हमलों में 33 लोगों की मौत हुई जबकि 195 से ज्यादा घायल हुए। इधर IDF का दावा है कि हसन नसरल्ला जिस अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर में छिपा था वो संयुक्त राष्ट्र के स्कूल से महज 53 मीटर दूर है। लेबनान के बेरूत में स्थित ये जगह रिहायशी इलाके में है, यहाँ आम लोग रहते हैं। वैसे हिजबुल्ला के ठिकानों और हौसलों को पस्त करना इतना आसान नहीं। इसकी कहानी 1980 के दशक से शुरू होती है जब लेबनान में इजराइल के विरोध का माहौल तैयार हुआ। तब हिजबुल्ला सुरंगों का उपयोग करता था, लेकिन बड़ा मोड़ तब आया जब ईरान और उत्तर कोरिया ने मिसाइलों के भंडारण के लिए सुरंग बनाने में उसकी मदद की थी और इस तरह से हिजबुल्ला का नेटवर्क बढ़ता गया। साल 1990 तक उसने दक्षिणी लेबनान पर कब्जा कर लिया। 2000 में जब लेबनान से इजरायली सेना हटी तो हिजबुल्ला ने दावा किया कि डर से सेना भागी है और ये पहला अवसर था जब इसराइल ने शांति समझौते के बिना किसी अरब देश की धरती को एक तरफा तौर पर छोड़ा और क्षेत्र के बहुत से अरब नागरिकों की नजर में इसे एक महत्वपूर्ण सफलता घोषित किया गया और इसके बाद से नसरल्ला मजबूत होता चला गया और लेबनान में बड़ी ताकत बन गया। लेकिन अब उसकी मौत के बाद इसराइल पर बड़े पलटवार का खतरा बढ़ गया है। तो मोस्ट वांटेड हसन नसरल्ला मारा जा चुका है, ये तो सबको पता है, लेकिन आखिर कैसे सटीक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, इसकी पूरी अंदरूनी कहानी कुछ ऐसी है कि हमलों का सिलसिला शुक्रवार से 10 दिन पहले शुरू हो चुका था। लेबनान में हिजबुल्ला के लड़ाकों के हाथों के मोबाइल और पेसर अचानक फटने लगे, ये शुरुआत थी और जिसके बाद तो 10 दिन के भीतर इसराइल ने लेबनान पर हमलों की झड़ी लगा दी। लगातार हमले किए जाते रहे, रोज मौतें होती रहीं। इन सब के बीच इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को खबर मिली कि बेरूत के एक उपनगर दरिया में रिहायशी इलाके के नीचे अंडरग्राउंड हिजबुल्ला के साउथ हेडक्वार्टर के भीतर टॉप कमांडरों के साथ हसन नसरल्ला भी मौजूद है और उसके साथ उसकी बेटी जैनब और साउथ रेंज का कमांडर अली काराकी भी मौजूद था। वहीं आपको बता दें कि उस वक्त इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो कि अपने हेडक्वार्टर में भाषण दे रहे थे, लेकिन उससे पहले वो इस ऑपरेशन को हरी झंडी दिखा चुके थे। तेल अवीव के सैन्य हवाई अड्डों से इसराइल के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। उनका टारगेट था बेरूत के दाहिया में हिजबुल्ला का हेडक्वार्टर और उसके बाद ऐसा हमला हुआ कि पूरा बेरूत दहल उठा और हिजबुल्ला पर ये सबसे बड़ा हमला था। वहीं देखते ही देखते मलबे का ढेर जमा हो गया और कुछ घंटों के बाद आखिरकार ऐलान हो गया कि नसरल्ला मारा जा चुका है।